नमस्कार। आज वर्ल्ड डे है टू कॉम्बैट डिससर्टिफिकेशन एंड ड्राउट, मतलब विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस है आज। तो आज एक प्रोग्राम है पनवेल में जहां हम कुछ एक्टिविटी करेंगे, तो मैं वहीं के लिए तैयार हुआ हूँ। एक्चुअली आज मेरा ध्यान साधना वगैरह अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि मैं 6 बजे ट्रैवल करके आया हूँ अहमदनगर से। 6 बजे बस से उतरा, फिर आया और नहा वहा के फ्रेश व्रेश होके अभी 7 बज रहे हैं। तो अब मैं निकलता हूँ पनवेल के लिए और देखते वहाँ किस तरह का वीडियो बन पाता है। लग रहा है कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। 7:10:15 हो गए, 8 बजे से प्रोग्राम है, थोड़ा पहले असेंबल होना पड़ता है। देखते हैं, ऑटो पकड़ना चल के। तो हम आ गए हैं पनवेल। ये एक गार्डन है जहाँ हम तुलसी का कुछ पौधा लगा रहे हैं, और मेरे साथ और भी लोग हैं। हम सब लोग ईसा वॉलंटियर हैं, और ईसा वॉलंटियर ईसा फाउंडेशन के अंतर्गत ही हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। एक्चुअली कुछ तुलसी का पेड़ लगाना कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं लाएगा, लेकिन ये एक मैसेज देना चाहते हैं हम। सद्गुरु कहते हैं इट्स एन इमरजेंसी। मिट्टी जो है वो मर रही है एक तरह से। यूएन की एजेंसियां बार बार आगाह कर रही है दुनिया को कि अगले 40 से 45 साल बाद हमारी जो उपज है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और हमारी आबादी बढ़ती जा रही है। मिट्टी रेगिस्तान बनते जा रहा है, तो कहीं मरुस्थल बनते जा रहा है। इस पे अभी तुरंत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अभी तक हमने जितनी इतिहास में तबाही देखी है ये उन सब से बड़ी त्रासदी होगी, जब लोगों के पास भोजन नहीं होगा और भोजन के कारण युद्ध होगा। तो हम सब लोग मिलकर इस पर ध्यान दें, एटलीस्ट चर्चा करें मिट्टी बचाओ के बारे में, पेड़ बचाओ के बारे में। मिट्टी ही मूल चीज़ है। अगर हमने मिट्टी को सुरक्षित रख लिया तो पेड़, हवा, नदी, सब चीज़ ठीक हो जाएगी। मूल समस्या मिट्टी का ही विनाश होना है। आपने डायनासोर या टोडोमास के विनाश के बारे में सुना होगा, अब हम मिट्टी के विनाश की बात कर रहे हैं। अब जब हम मिट्टी की विनाश करते हैं तो हम खुद के विनाश की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम मिट्टी से अलग नहीं हैं। हम मिट्टी का ही एक टुकड़ा है जो अभी उछल कूद कर रहे हैं, और एक समय आने के बाद फिर मिल जाएंगे मिट्टी। नमस्कार, वी आर ईशा वॉलंटियर फ्रॉम पनवेल। टुडे 17 जून वर्ल्ड day to combat desertification and drought, and today we have planted few trees in Panvel. So the plantation itself was not the goal, it was the effort that counted. So like we at ISA Panvel planted around 20 saplings today, and just like worldwide many plantations have been done by the volunteers, and which might have brought a significant change in the scenario that has been going now. Because soil health has been a concern right now, and global warming temperature rises are just something that need to be given a priority to be tackled. Yeah, every minute we are losing a size of soil. We are losing a soil of size of around 40 football pitch. Yes, and that is happening every minute. So this was an effort to combat the desertification and save our planet from becoming drought and becoming our soil dry. So this was a little effort by ourselves. Yeah. So Save soil. Let's make it happen. Let's make it happen. Save soil. Let's make it happen.